नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृद्धि आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी भारत पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडल वन के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक पेटेंट है। इसे एक जर्मन कंपनी बना रही है। ये पेटेंट जो है ये हेडेक्स में और न्यूरल्जिया में काम आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हेडेक्स क्या होता है। हेडेक जो है वो सिर में दर्द रहना या फेस पे और इसके साथ ही नेक में भी यदि कई बार दर्द हो जाता है, उसे हम हेडेक बोलते हैं। दूसरी ही तरफ है न्यूरेल्जिया। न्यूरेल्जिया यानी कि नर्व्स में जो है वो पेन रहता है और बहुत बार आपको इसका पता भी नहीं लगता कि इसका कारण क्या है। आपको सिर्फ दर्द महसूस होता है पर आपको पता नहीं लग पाता है कि ये नर्व्स में दर्द है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि आपको सर में दर्द हो रहा होता है और साथ ही आपको अपने शरीर पे ऐसा फील हो रहा होता है कि चीटियां चीटियां सी चल रही हैं हल्के दर्द के साथ, तो वही न्यूरेल्जिया होता है। हेडेक की बात करें तो हेडेक जो है वो कई तरीके का होता है, जैसा कि टेंशन हेडेक, यानी कि टेंशन या स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाने पर यदि आपको हेडेक हो रहा है तो हम उसे टेंशन हेडेक बोलेंगे। इसके अलावा माइग्रेन की वजह से हेडेक हो सकता है, जो कि रिकरेंट हो सकता है। क्लस्टर हेडेक हो सकता है, या किसी एलर्जी की वजह से हेडेक हो सकता है, या फिर आपको कोल्ड स्टिमुलस या फिर हैंगओवर की वजह से भी हेडेक हो सकता है। यदि आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे पास होम्योपैथी में इसका इलाज है। हमारे पास जो पेटेंट है एडल वन, वो इन सभी परेशानियों को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि एडल वन है क्या। एडल वन जो है ये एक होम्योपैथिक पेटेंट है, जो कि बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बना हुआ है, जो कि आपको हेडेक और न्यूरल्जिया में रिलीफ दिलवाती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी हेडेक और न्यूरल्जिया की चुनिंदा मेडिसिन डली हुई है। इसके अंदर डली हुई है एकोनाइटम नेप्लिस, सेमिकार्पस, ब्राइनिया, जलसीनियम, पेपर, मेनियंथिस ट्राइफोलियाटा, साबाडिला, स्पाइजला। सबसे पहले यदि हम बात करें एकोनाइटम नेप्लिस के बारे में, तो दोस्तों यह जो मेडिसिन है ये आपके माइग्रेन के जो हेडेक्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करती है। इसके जो हेडेक्स होते हैं वो रिकरेंट हेडेक्स होते हैं, जिसमें कि आपको लाइट सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही जब आपको नंबनेस की शिकायत रहती हो, वो जो चीटियां चीटियां सी फील होती हो, या आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, तब भी एकोनाइट नेप्लिस जो है वो दी जाती है। दोस्तों, यदि आपको हेडेक के साथ जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, तो उसके लिए ब्राइनिया जो है वो बेस्ट मेडिसिन रहती है, और ब्राइनिया जो है वो इस एडल वन के अंदर भी डली हुई है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि हमें हेडेक के साथ साथ आई स्ट्रेन की दिक्कत भी है, या हम कहें कि आई स्ट्रेन की वजह से हेडेक रहता हो और साथ ही माइग्रेन की शिकायत हो, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका नाम है जलसीनियम, और ये मेडिसिन जो है वो इस पेटेंट के अंदर भी डली हुई है। अब यदि आपके हेडेक के साथ आपको फीवर भी आ रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास मेनियंथिस ट्राइफोलियाटा है और वो भी इसके अंदर डली हुई है। पाइपर और सेमिकार्पस जो मेडिसिंस हैं वो तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आपका हेडेक डर या फियर की वजह से आया हो और साथ ही आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो। इसके बाद यदि हम बात करें साबाडिला की, तो ये डिजीनेस के साथ अगर हेडेक्स हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पायजला जो है वो लेफ्ट साइडेड अगर हेडेक्स रहते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, एडल वन जो है वो आपको एक टाइम पे हेडेक्स में रिलीफ दिलवा सकता है, पर अगर आपको प्रॉपर क्योर चाहिए तो आपको इसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डाइल्यूशन या मदर टिंचर के फॉर्म में लेनी पड़ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर हर पेशेंट की अपनी एक अलग मेडिसिन निकल कर आती है, जो कि उसके अपने इंडिविजुअल सिम्टम बेस्ड होती है। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आप अपनी मर्जी से नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि इसके कई बार साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपकी मेडिसिन गलत सिलेक्ट हो जाए या इसकी डोसेज गलत हो जाए तो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, पर गलत डोसेज या गलत मेडिसिन लेने पर साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। कोई भी मेडिसिन जब आप ले रहे हैं पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यदि आपको कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।